हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपास, इसे राउंडर भी बोलते हैं, स्केल, प्रोट्रैक्टर और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 6, इंस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग सर्कल्स। एग्जाम्पल नंबर 13, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ रोम्बॉइड काइट। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बॉइड काइट विथ इट्स अनइक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एंगल कंटेंट बाय देम बीइंग 120 डिग्री। इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। हिंदी प्रश्न विभाग छठा, एक नियमित आकृति में अंकित वृत्त। उदाहरण, एक समद्वी बाहु पतंग के आकार के समचतुष्कोण में एक वर्तुल, सर्कल या वृत्त को अंकित करना। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की दो असमान भुजाओं वाला एक पतंग के आकार का समचतुष्कोण बनाइए और उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो, इनमें एक वर्तुल, सर्कल या वृत्त अंकित करें। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर अशा दोन असमान बाजू व त्यामधील कोण 120 अंश मापाचा असणारा पतंगाकृती चौकोन काढून त्यात एक वर्तुळ अंतर्लिखित करा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करें। पहले हमें एक समचतुष्कोण बनाना है, पतंग बनाना है। इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का जो ज्योमेट्री के सब क्वेश्चन है उसमें का 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर हमने समचतुष्कोण पतंगाकृति बनाया है। उस क्वेश्चन को आप देखकर पतंगाकृति निकाल सकते हो और यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दो भुजा दिए है, असमान भुजा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर वाली एक भुजा लेंगे, थोड़ा जो लाइन है वो आगे तक लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर इसे नाम देना है ए, बी, इसका लेंथ लिखना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें प्रोटेक्टर लेना है और यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से हमें बी पॉइंट पर एंगल बनाना है 120 डिग्री का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 और 10 और 120। यहाँ पर मैंने 120 पर मार्किंग किया और वो मार्किंग और बी पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। अब हमें कंपास में दूसरा वाला जो बाजू है उसका डिस्टेंस दिया था 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर भुजा का डिस्टेंस कंपास में लेकर हमें बी पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क बनाना है। ये जो एंगल हमने लिया था वो 120 डिग्री का लिया था और यहाँ पर हमें नाम देना है सी। इस आर्क ने इस एंगल को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पॉइंट लेना है और नाम देना है सी। कंपास में डिस्टेंस कितना है तो बी सी इतना। तो वही डिस्टेंस से सी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस लेफ्ट साइड को एक क्या करना है, आर्क लेना है। उसके बाद कंपास में डिस्टेंस लेना है ए बी इतना और ए पॉइंट से इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को नाम देना है टी। अब हमें सी डी को जोड़ना है। दोनों पॉइंट को हमने लाइन से जोड़ा है, इसको थोड़ा डार्क बनाता हूँ और ए डी इन दोनों पॉइंट को जोड़ना इस प्रकार से। उसके बाद ए और सी इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है। यहाँ विकर्ण निकालना है, इसे कर्ण भी बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। उसके बाद ए बी सी, ये जो एंगल है इसके हमें इक्वल दो पार्ट बनाने हैं। तो क्या करना है, बी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें कंपास में जो अंतर लेना है, डिस्टेंस लेना है, वो लेना है अप्रोक्सीमेटली अंदाज से।
और यहाँ ए बी लाइन पर एक आर्क बनाना है और बी सी लाइन पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क दोनों लाइन को क्रॉस कर गए, वहाँ पर पॉइंट फिक्स करना है और इस पहले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें कंपास में हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर आर्क बनाना है। दूसरे पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर गए। उस पॉइंट को और बी पॉइंट को हमें जोड़ना है। यहाँ एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देना है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद बी से निकली हुई लाइन ने एसी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वह पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। उसके बाद ओ पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस लेना है और ए बी लाइन पर इस प्रकार से दो आर्क बनाना है। यहाँ पर एक आर्क मिल गया और यहाँ पर एक आर्क, दोनों आर्क ने इस ए बी लाइन को क्रॉस किया, वहाँ पर हमने पॉइंट लिए हैं। अब पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है और कंपास में अप्रॉक्सीमेटली अंतर लेना है, डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर आर्क बनाना है। इस प्रकार से दूसरे वाले पॉइंट से दूसरा वाला आर्क बनाना, दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को ऐसे जोड़ना है। ओ से निकला हुआ ये लाइन ए बी लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर गया है, वहाँ पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को नाम देना है पी। अब हमें ओ पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है, कंपास में डिस्टेंस लेना है पी इतना और यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है। इस प्रकार से इस सर्कल ने इस चतुर्भुज को ए बी सी डी स्क्वायर को इस सर्कल ने इन चार ही भुजाओं को छूते हुए यहाँ से गया है। बच्चों ये जो सर्कल है वो इस बी सी लाइन से बाहर से नहीं जाना चाहिए और इसमें डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, तो इसको ये चिपक के गया है। इस तरह से ये सर्कल जाना चाहिए। आज का क्वेश्चन हमने एक्यूरेट सॉल्व किया है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको बार बार इसे सॉल्व करना है। बीसी जो लाइन है वो हमने 3 सेंटीमीटर लिया था, ए बी 5 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में दिए गए अनुसार यहाँ पर हमने एंगल बनाया 120 डिग्री का। बच्चों आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।